देखो ध्यान लीजिए तक तो आपको बता रहे थे कि a बराबर 7, b बराबर 24 और c बराबर 25, ठीक है। यानी कि हम c बराबर 25 क्यों माने हैं, b बराबर 24 क्यों माने हैं, a बराबर 7, तो a और b आपको जो माने सो मान सकते हैं। a बराबर आपको 24 माना है तो मान सकते हैं, b बराबर आपको 7 माना है तो मान सकते हैं, बाकी c बराबर आपको हमेशा 25 मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताया है कि त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो सबसे बड़ी भुजा 7 24 25 में कौन बड़ा है, 25। इसीलिए c बराबर क्या हो गया, 25। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बताइए कि ये जो है ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है कि नहीं, बताइए कि ये जो त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है इससे आप बताइए कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए इधर लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप, कि एबी स्क्वायर बराबर, एक मिनट, एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो एसी का मान कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर, एबी तो एबी का मान कितना है 7, कितना का स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, बीसी का मान कितना है 24, तो कितना का स्क्वायर हो जाएगा 24, 25 है 625, 7 × 49, 24 × 24 है 576, तो 625 बराबर 576 49 कितना हो गया 625। अब देखो क्या ध्यान देना है, अब हमको ध्यान देना है कि जब भी एबीसीडी दिया रहेगा और पूछेगा आपसे कि बताइए कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर निकालेंगे, और यहाँ पे जब दोनों का मान सेम हो जाए तो यह समकोण त्रिभुज है, अगर यह बराबर ना हो तो समकोण त्रिभुज नहीं है। तो लिख दे यहाँ पे, अतः यह समकोण त्रिभुज है, अतः यह समकोण त्रिभुज है, बड़ा दिक्कत है, अतः यह समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये साइन दे देंगे, ये साइन क्यों दे देंगे, क्योंकि ये साइन सबको पता चल जाता है कि कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अगर क्या यहाँ पे दोनों बराबर नहीं होगा तो समकोण त्रिभुज होगा, होगा नहीं होगा, और दोनों बराबर समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, बड़ा भारी है। तो इसी तरह बनाना है, क्या करना है फिर समझिए, कह रहा है कि तीन को भुजा दिया हुआ और पूछ रहा है कि बताइए कि यह समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, तो a बराबर 7 माने, b बराबर 24 माने, c बराबर 25, सबसे बड़ा जो रहेगा उसको हमेशा हम कर्ण मानेंगे, क्योंकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। a बराबर 7, b बराबर 24, c बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। हम जानते हैं, आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि ac का स्क्वायर बराबर ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, ac का मान 25 है तो 25 का स्क्वायर, ab का मान ए और बी का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर, बी और सी का मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया 25 है 625, 7 × 49, 24 है 576 में 49 जोड़ेंगे तो 625, दोनों साइड बराबर आ गया तो समकोण त्रिभुज है, और दोनों साइड बराबर आया तो समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। सबसे शक्तिशाली है, अगर आपके पास 5 लाख रुपया है, डाकू आएगा चुरा के ले जाएगा, अगर आपके पास सोना है आप उस खर्चा हो जाएगा, अगर आपके पास धन है वो भी खर्चा हो जाएगा, अगर आपके पास खूबसूरती है वो भी खत्म हो जाएगा, बाकी एजुकेशन ऐसा चीज है, शिक्षा ऐसा चीज है जो कभी नहीं खत्म होता है, जिंदगी में कभी खत्म नहीं हो सकता है एजुकेशन, इसीलिए हमें एजुकेशन लेना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए, और शिक्षा लेने के साथ साथ हमें जो है अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, माँ बाप का इज्जत करना चाहिए, ये सारा चीज करना चाहिए, तब जाके अच्छे स्टूडेंट बन पाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप अच्छे स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप माँ बाप से झगड़ा करते हैं, बहन से झगड़ा करते हैं, भाई से झगड़ा करते हैं, और आप सोचते हैं कि हम पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं चलने वाला है, आपको सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। बोले को तो बहुत कुछ है, बाकी टाइम ज्यादा हो गया हुआ है, और साथ साथ क्या है, और ये चीज हमको जलने वाले जलते रहे, चाहने
मंजिल की तरफ।